बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी वाला परांठा, जो पंजाब में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। दूसरे जो सूबे हैं उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब में जो है ना, वो तो जब हम आलू गोभी का सीज़न होता है और सर्दियों में खासकर हम जो है ना ये परांठे ज़रूर बनाते हैं। तो ये जो सालन है इसे मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया, तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिर्च जो है वो कम था तो मैंने ज़्यादा डाल लिया। फिर इस तरह के दो मैंने पेड़े बना लिए और इन पे मैंने जी घी लगा लिया। घी वाले परांठे जो देसी घी वाले होते हैं उनका तो मज़ा ही क्या होता है। तो ये ऊपर मैंने ये सालन जो मैंने आलू गोभी का बनाया था ये मैंने रख लिया। तो अक्सर पंजाब में ऐसा ही होता है कि रात को हम आलू गोभी का सालन बनाते हैं तो सुबह जी हम मज़े के परांठे बनाते हैं, और पंजाबी बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से ये परांठे खाते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह रोटी को बना लिया। मैं ज़रा बेलन जो है वो कम ही यूज़ करती हूँ, तो मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ कि आज से ही परांठे बनाएं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कैसे मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये कोई एक्स्ट्रा हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल नहीं करने पड़ते, जो हमने हंडी बनाई होती है और आलू गोभी का सालन नॉर्मल हम जिस तरह बनाते हैं वो ही सालन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो मैंने ऊपर जी घी लगाया, तो फिर मैंने साइड चेंज कर ली। तो ये देखें कैसी इसका कलर आया है और कितने प्यारा ये परांठा बना है। तो ये देखें जी, आप इसे रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।